हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं बहुत ही अच्छी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ और ये है खसखस और प्याज की सब्जी। तो अगर आपके घर में हरी सब्जियाँ ना हो या आप हरी सब्जियाँ खा के बोर हो गए हो तो इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है और कुछ थोड़ा अलग टेस्ट है इसका। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जो न्यू है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्याज, और यहाँ 400 ग्राम जितने प्याज है, आधा किलो से थोड़े कम प्याज हैं। इन प्याज को हमें बारीक बारीक पीसेस में चॉप करना है, तो सारे प्याज को हम चॉप कर लेंगे। और ये खसखस ली है मैंने, और खसखस को 4 घंटे या फिर 3 घंटे हमें भिगो के रखना है। और इस कप से आधा कप ली है, लगभग 50 ग्राम जितनी खसखस होगी ये, तो आप किसी कटोरी से भी ले सकते हैं। तो इस खसखस को मैंने भिगो के रखा हुआ है। तो देखिए खसखस बहुत अच्छी तरीके से भीग गई है, 4 घंटे हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने प्याज भी चॉप कर लिया है। तो मैंने इस चॉपर से बारीक बारीक पीसेस में चॉप किया था प्याज को। आप चाहें तो चाकू से कर सकते हैं बारीक पीस, या फिर मिक्सर जार में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, इस तरीके से होने चाहिए। फाइन पेस्ट वाली सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पे हमारी खसखस भीग गई है अच्छे से, तो हम इसको पीस लेंगे। और बहुत फाइन पेस्ट इसका भी नहीं बनाना है, थोड़ा खुरदरा सा ही रखना है, कुछ इस टाइप से। देखिए मैंने मिक्सर जार में इसे पीस लिया है, और भीगने के बाद खसखस बहुत अच्छी पीस जाती है। और यहाँ पे एक बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, और आधा चम्मच मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। उसके बाद जीरा चटक गया है, तो अब ये सारे प्याज मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो देखिए मैंने प्याज ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मैं भून लूँगी। तो देखिए प्याज यहाँ पे हल्का सा कुक हुआ है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी ताकि हमारे प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम ज़्यादा आप जैसा भी खाते हो। और नमक डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है हमें इसे। इसके बाद मैं डालती हूँ आधा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा स्वाद और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। कसूरी मेथी डालने के बाद फिर से थोड़ा चला देती हूँ इसे। और अब हमारा प्याज थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है। तो एक टमाटर लिया है मैंने, और इसमें टमाटर ज़्यादा नहीं चाहिए, एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है। आप चाहें तो बिना टमाटर के भी इसे बना सकते हैं। तो टमाटर डाल दिया, उसके बाद थोड़ा टमाटर को हम गला लेंगे। तो टमाटर थोड़ा गल गया है, मैंने आधा चम्मच ग्रेटेड अदरक लिया है। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लहसुन नहीं डालती हूँ, अदरक डाला बस। और आधा चम्मच मैंने डाला है हल्दी, और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, जो तीखा नहीं होता है और कलर बहुत अच्छा आता है इससे। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर लिया है। आप चाहें तो तेज मिर्ची से भी इस सब्जी को बना सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। 2 मिनट मसाले भूनने के बाद हम इसमें खसखस ऐड करेंगे, जो हमने पीस कर रखी हुई है। तो ये सारी पीसी हुई खसखस मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सारी पीसी हुई खसखस मैंने इसमें ऐड कर ली है, और थोड़ा सा मिक्सर जार को धो के पानी भी डाला है। और अच्छे तरीके से हम इस खसखस को भी मिक्स कर लेंगे इसमें। और देखिए मिक्सर जार में फिर से मैंने आधा कप पानी लिया है, और आधा कप पानी मैं ऐड कर देती हूँ। आप चाहे तो इसे एकदम सूखी ड्राई सब्जी भी बना सकते हैं। तो फिर से मैं आधा कप पानी डालती हूँ, ऐसे करके मैंने पूरा 1 कप पानी इसमें डाला है। और पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इसे ढककर कुक होने के लिए 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पे रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मध्यम आंच पे रख दिया है ढककर, और 10 मिनट बाद खोल के देखते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी अब लगभग रेडी हो गई है। इसे फिर से एक बार मिक्स करते हैं। और प्याज जब आप भूनेंगे ना, तो उसे भी मध्यम आंच पे ही आप भूनिएगा, मध्यम से लो फ्लेम के बीच में। तो देखिए हमारी सब्जी अब बन के रेडी है। तो आप इसे पूरी के साथ, रोटी के साथ, या चावल के साथ भी खा सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।